में कोविड 19 के मामले आज 66 लाख के पार पहुंच गए। वहीं 55,86,703 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर 84.34% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोविड 19 के 74,442 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 66,23,815 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 903 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,02,685 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 9,34,427 मरीजों का कोविड 19 का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 14.11% है। कोविड 19 से मृत्यु दर 1.55% है। भारत में कोविड 19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार चले गए थे।